सो हेलो गायज वेलकम टू द न्यू वीडियो सो मैंने आप लोग अपडेट कर दिया था इन इंस्टाग्राम दैट आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू इन दिस वीडियो सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्पेशल सीरीज तो वो सीरीज क्या है दिस इज अ प्योर मनी स्टॉक सीरीज ठीक है सो वट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज इन दिस सीरीज बी डिस्कसिंग स्टॉक्स और ऐसे स्टॉक्स जो आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए कहाँ होना चाहिए आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए इस स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो यू टेक अ रिव्यू ऑन दिस मैं आपको फुल एनालिसिस करके दे दूंगा हर वीडियो में हर सजेशन में देन आई गिव यू द प्राइस ऑल्सो देन इट इज़ अप टू यू कि आप उसमें पोजिशन लो या नहीं फाइन और ये ऐसे कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं दिस विल ऑल द मार्केट लीडर्स एंड ऑल द गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो प्रेजेंट डेट में एड वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो हैज वट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट अगर इफ यू नॉट सब्सक्राइब एंड प्लीज हेट द लाइक बटन पहले बिकॉज इट यू टू गिव टू इट एंड अगर आप सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक करो इट गिवज यू मी मोटिवेशन कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज और लाते रहूँ फाइन दिस री 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 रिज इज़ रेली इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आईव डेडिकेटेड लॉट ऑफ टाइम मैंने बहुत टाइम लेके आई बिल्ड अप माई पर्सनल पोर्टफोलियो एंड माई पर्सनल वॉच लिस्ट विच आई एम शेयर विद यू अभी

वेन शुड वी बायॉक अच्छे स्टॉक्स तो सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेन डू वी बाई इट तो इन दिस बी डिस्कसिंग अबाउट दैट सो पहले हम जानेंगे वट डल पॉली डू इसका बिजनेस क्या हैज कैन रीड इन इन दिन प्रोफाइल ये कंपनी क्या करता है एस्टल पॉलीटेकन इट इज अ प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी ठीक है तो दे पी वी सी पाइप एंड एडेसिव अगर आपको हार्डवेयर के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा यू विल नो दैट ये एक मार्केट लीडर इन द सेक्टर ठीक है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स और बेस्ट कंपनीज यू कैन गो फॉर अगर आप इस सेक्टर में हो तो अभी हम देखेंगे कि एस्टल पॉली कितना रिटर्न दे सकता है और कितना रिटर्न दिया है अभी तक तो अगर आप एक साल का रिटर्न देखो अगर आप एक साल का देखो देन एक साल में इट हैज़ गिवन माइनस फाइव परसेंट रिटर्न ठीक है क्योंकि वाई क्यों क्योंकि आपको तो पता ही होगा अभी लॉकडाउन की वजह से पीपल वोट बिल्डिंग दैट मच इतना घर नहीं बन रहे थे ये प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो रहे थे इसीलिए इनका शेयर प्राइस नीचे गया राइट right. तो एक साल में दिस इज फाइव पॉइंट फाइव टू परसेंट डाउन मैं इसको पाँच परसेंट डाउन नहीं बोलूंगा आल बी दैट कि आपको ये शेयर फाइव परसेंट डिस्काउंट में मिल रहे हैं right. राइट आप इस नज़रिए से देखो कि आपको ये डिस्काउंट में मिल रहे हैं और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ डिस्काउंट में मिल रहा है आप खुद ही देख सकते हो पाँच साल पाँच साल में इसने टू टू सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट रिटर्न दिया है मतलब इसने दो सौ परसेंट से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है राइट right. तो दो सौ परसेंट से ज़्यादा तो यू कैन लाइक आपके आपके एक लाख को इसने तीन लाख बनाया समझ रहे आप तीन लाख बनाया थ्री लाख तो आप समझ सकते हो कैसा मल्टी बैगर स्टॉक है ये एंड इट विल श्योरली कंटिन्यू फ्यूचर में क्यों क्योंकि जब एंड ऑफ द डे इकोनॉमी को ऊपर जाना ही है लॉकडाउन खत्म होना ही है हाउस विल बी बिल्ड एंड ऑब्वियसली दिस पाइप विल बी रिक्वायर्ड राइट और ये इंडस्ट्री का लीडर है तो ये सबसे पहले यही भागेगा फाइन देन वी कैन सी दैट पी रेशियो फिफ्टी नाइन है और सेक्टर का पी ई ट्वेंटी फोर है तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि ये थोड़ा महंगा है राइट और पी ई रेशियो क्या होता है पी रेशियो इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको एक रुपये कमाने के लिए फिफ्टी नाइन रुपीज़ दे देना पड़ रहा है इस हिसाब से ठीक है सेक्टर में ट्वेंटी सेवन चल रहा है एंड इस कंपनी का इट इज़ फिफ्टी नाइन सो इफ यू सी इन उस पी ई रेशियो के हिसाब से दिस इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव राइट बट आपको ये जानना चाहिए क्योंकि ये मार्केट लीडर है और अच्छी चीज़ें हमेशा थोड़ी महंगी होती है यू शुड नो दैट आई यू नीड टू पे बिट ऑफ प्रीमियम टू गेट अ गुड शेयर राइट नाउ इफ यू कंपेयर इट्स पी ई टू इट्स प्योर कंपनीज फिनोलेक्स हो या, या रत्ना हो यू कैन सी दैट ये सबसे महंगा है राइट right? आप देख सकते हो सबसे महंगा है वाई बिकॉज इट इज तो वन ऑफ़ द बेस्ट परफॉर्मिंग इन द सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट इट इज़ द फर्स्ट इट इज़ द लीडर इन द सेक्टर इसीलिए इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगेगा फाइन देन अगर हम उसके फाइनेंशियल प्रॉफिट्स में देखें उसका फाइनेंशियल ट्रेंड में देखें अगर आप 2007 में देखो 2008, 9, 20 ये हमेशा एक अप ट्रेंड में मूव किया है रेवेन्यू भी ग्रोथ किया है और उसका प्रॉफिट भी ग्रो किया है आप देख सकते हो ये अप ट्रेंड में है अप ट्रेंड में है राइट right? तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी है देन अगर हम लोग देखें कि प्रोमोटर होल्डिंग प्रोमोटर होल्डिंग में प्रोमोटर ने छः महीने में अपना होल्डिंग उसने कांस्टेंट रखा है ठीक है उसने ना घटाया ना बढ़ाया प्रोमोटर ने कांस्टेंट रखा है और कोई भी प्लेज शेयर्स नहीं है राइट और म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना होल्डिंग कांस्टेंट रखा है एफ ने भी अपना होल्डिंग कांस्टेंट रखा है तो अगर आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स एफ आई आईज ये बड़े प्लेयर्स अगर इस कंपनी में विश्वास रख रहे देन हम क्यों नहीं रख सकते राइट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका फॉरकास्ट क्या है अगर ये ही ट्रेंड अभी देखो ये कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं है ये उतना रन अप नहीं हुआ है ये अगर इसी पेस में रहे फिर भी ये अराउंड ट्वेल्व परसेंट रिटर्न दे रहे हैं आपका एफडी कितना देता है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट सेवन परसेंट देता होगा तो ये उससे भी सेफेस्ट रिटर्न दे रहे अराउंड ट्वेल्व परसेंट यहाँ से यहाँ से अगर वो नॉर्मल बेसिक ट्रेंड में रहा ठीक है अभी हम आ गए हैं जरो के चार्ट में देन यू कैन सी मैंने इधर पे कौन सा इंडिकेटर लगाया मैंने इधर पे बॉलन्जर बैंड लगाया अगर आपने बॉलेंजर बैंड का वीडियो नहीं देखा आप देख सकते हो आई एव ऑलरेडी मेड द बॉलेंजर बैंड वीडियो आप इट्स वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है फाइन तो यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने डे का कैंडल लगाया राइट तो डे का कैंडल लगाया और इंडिकेटर मैंने बॉलेंजर बैंड लगाया है ठीक है तो आप देख सकते हो ये अभी बॉलेंजर बैंड के अप बैंड में ट्रेवल कर रहा है ठीक है वो अपने अपर बैंड में इट्स मूविंग तो ये बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट है इसके लिए कि ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा या इट विल बी गोविंग डाउन तो मैं अकॉर्डिंग टू मी इसको थोड़ा और करेक्ट होने दो ठीक है तो अगर आप देखो कि मनी फ्लो भी इंडेक्स भी इसको क्या बोल बोले इसको बोल बोलो कि इट्स ओवर बॉड ठीक है मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है इट जस्ट बेसिक इंडिकेटर ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस इज द शेयर ओवर बॉड और ओवर सोल्ड ठीक है ना एट्टी के ऊपर इट्स ओवर बॉड ट्वेंटी के बिलो इट्स ओवर सोल्ड फाइन देन वी मूव टू मूविंग एवरेजेस चार्ट। अब यहाँ पे मैंने वन डे का कैंडल लगाया मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाए कौन कौन से यहाँ पे ट्वेंटी डे फिफ्टी डे हंड्रेड डे और टू हंड्रेड डे अगर आपने मूविंग एवरेजेस का वीडियो नहीं देखा है एव ऑलरेडी मेड इट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो इट इज अपने हंड्रेड डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर ठीक है तो वहाँ पे वो सपोर्ट ले रहे हैं फाइन तो इट बी अ वेरी क्रुशल मोमेंट इसलिए मैंने बोला कि अगर ये ब्रेक करेगा तो कितना तक नीचे जाएगा अगर वो अपने फिफ्टी डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेगा कि नहीं देन यू कैन टेक इट इस पॉइंट पे मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी बता दिया है आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रॉसओवर जब हुआ था यहाँ पे इट गेव अ अप ट्रेंड तो आपको इजीली पोजिशनल ट्रेड अब अगर आप कर रहे हो देन यू कुड हैव ऑल इजीली मेड अराउंड टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट फाइन तो अगर आपने अभी तक तो वीडियो नहीं देखा है really तो ये सारे चार्ट मैं जरोदा में देखता हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको अकाउंट खोलना है यू कैन गो ओपन थ्रू डैट मैं पर्सनली जरोदा यूज़ करता हूँ सो आई ऑल्सो सजेस्ट जरो स्टॉक्स मैंने यूज़ नहीं किया सो आई कान गिव रिव्यू ऑन डैट पर अगर आपको जरो पसंद है यू लाइक द फॉर्म मेट आई एम सींग द चार ओपनिंग अकाउंट इन जरो सो दैट्स ऑल फॉर एस्टल पाइप्स आई होप अपने लेवल्स अच्छे से यू अंडरस्टूड एंड वाट इज द बिजनेस ऑफ द कंपनी और इसका भी स्टैंडिंग कहाँ पे है सो आर बी कमिंग अप विद मोस्ट स्टॉक वीडियोज इन द फ्यूचर हर वीक मैं ट्राई करूंगा कि एक प्योर मनी स्टॉक आपके लिए लाऊ तो दिस माई पर्सनल व्यू स्टॉक्स जहाँ पर ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है कुछ स्टॉक्स और खुद के वॉच लिस्ट में भी है आर बी बाइंग फ्रॉम दिस ओनली ठीक है सो so अगर आपने यहाँ तक देख लिया डू हिट द लाइक बटन और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप इसको लाइक और शेयर करते हो ना इसको थोड़ा बूस्ट मिलता है एंड आई गेट अ बिट ऑफ मोटिवेशन टू डू दिस वीडियोज़ क्योंकि एफर्ट लगता है इफ इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर मी अगर आप लोग इसको शेयर करते हो सब्सक्राइब करते हो अप्रिशिएट करते हो आई गेट मोटिवेटेड एंड विल श्योरली मेक फॉर द मोर वीडियोज थैंक यू सो हिट ऑन द आई कॉन्ट सब्सक्राइब टू द चैनल And if you haven't yet watched a technical series, go and hit on the playlist, you'll get the entire technical series there.